गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। छठगन अध्ययन अध्यापन जीवन के ऐसे पहलू हैं जो आपको सभी जगह मान सम्मान दिलाते हैं। छठगन पढ़ाई नॉलेज ज्ञान एक ऐसे संसाधन है जो आपको जीवन में हमेशा औरों से अलग और विशिष्ट स्थान दिलाते हैं। छठगन ये जीवन यापन के माध्यम तो है ही सम्मान के सूचक भी हैं। एक शिक्षक को सभी सर कह करके पुकारते हैं, चाहे वह कितने ही बड़े अधिकारी क्यों ना हो। इसलिए ये सम्मानजनक स्थिति आपके जीवन में भी आए, आप भी पढ़ लिख करके कर्म योद्धा बने और समाज में अपना उच्च मुकाम हासिल करें, अपना कैरियर बनाएं। इन्हीं सब सकारात्मक बातों के साथ आज की कक्षाओं की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। छठगन अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की राजपूत नीति, अकबर के दरबार के नवरत्न, अकबर का साम्राज्य विस्तार करने के बाद आज अकबर का हम लोग समापन करेंगे और उसके पश्चात जहांगीर की ओर प्रवेश करेंगे। हेडिंग बनेगा छठगन अकबर की मृत्यु। अकबर की मृत्यु, मृत्यु देखिए 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश में आगरा के निकट निकट सिकंदरा सिकंदरा नामक स्थान में स्थित है। सिकंदरा नामक स्थान में स्थित है। छठगन का सवाल आगे गौर कीजिएगा। द ग्रेट किंग महान शासक अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में। अकबर का मकबरा कहां है? सिकंदरा में है। यह सिकंदराबाद नहीं है छठगन, हैदराबाद सिकंदराबाद मत पहुंच जाइएगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। छठगन ये सिकंदरा है ना, कहां? उत्तर प्रदेश में आगरा से महज कुछ किलोमीटर दूर, आगरा के अंतर्गत ही आता है सिकंदरा। बाग बगीचों के बीच बना हुआ है यह मकबरा जो कि वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। कभी मौका लगे तो जाके जरूर देखिएगा छठगन। आगरा में ताजमहल तो आप देखेंगे ही, सिकंदरा साथ ही साथ फतेहपुर सिकरी आगरा से 35 किलोमीटर दूर है ना, और इत्मादुद्दौला का मकबरा भी है आगरा के निकट। ये सब ऐतिहासिक स्थल हैं जो आपको देखने चाहिए, या आपके ज्ञान के चक्षु को और भी खोलेंगे, आपको आत्मसंतुष्टि देंगे। तो छठगन किस मुगल बादशाह का मकबरा सिकंदरा में है? अकबर का। सिकंदराबाद के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छठगन, है ना। अब हेडिंग बनेगा छठगन अपने नोट्स कॉपी में, जहांगीर। पीरियड भी लिख लेंगे छठगन, 1605 से 1627, 1605 से 1627 लिखिए। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। नेक्स्ट, अकबर को कोई भी संतान नहीं थी।
अकबर को कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण अकबर काफी दुखी रहता था। अकबर काफी दुखी रहता था रहता था था नेक्स्ट। अकबर आगरा से फतेहपुर सिकरी सिकरी पैदल गया तथा प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, इनवर्ट कॉमा अंडरलाइन, लाल कलम या हरा कलम, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट, अकबर ने इस पुत्र का नाम सलीम रखा तथा शेखो बाबा शेखो बाबा कहकर पुकारता था। शेखो बाबा कहकर पुकारता था था नेक्स्ट, सलीम जहांगीर के नाम से मुगल गद्दी पर बैठा था नेक्स्ट, जहांगीर ने अपने राजमहल के बाहर आगरा में सोने के जंजीर से युक्त न्याय की घंटी लगवाई थी जिसे कोई भी फरियादी कभी भी बजाकर सीधे बादशाह से न्याय मांग सकता था नेक्स्ट, जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने की थी। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने की थी देव ने की थी सिखों के
पांचवें गुरु अर्जुन देव ने की थी जिससे क्रोधित होकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी तथा खुसरो को भी अंधा करवाकर उसकी हत्या करवा दी गई। नेक्स्ट, जहांगीर के शासनकाल में 1622 में कंधार मुगलों के हाथों से अंतिम रूप से निकल गया। नेक्स्ट, जहांगीर पहला मुगल बादशाह था जिसने मेवाड़ पर अधिकार किया था। इस समय मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह थे। नेक्स्ट, जहांगीर ने प्रजा के लिए 12 अध्यादेश जारी किए थे। नेक्स्ट, जहांगीर ने पुर्तगालियों द्वारा शुरू किए गए तंबाकू की खेती पर भारत में रोक लगा दी थी। नेक्स्ट, जहांगीर ने में 1611 नूर जहां के साथ विवाह किया। नेक्स्ट, नोट्स कॉपी में अपना हेडिंग बनाएगा छात्रगण, नूर जहां लिखिए,
नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नेक्स्ट, यह ईरान की मूल निवासी थी। यह ईरान की मूल निवासी थी। नेक्स्ट, इसके पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था, जिसे जहांगीर ने इत्मादुद्दौला इत्मादुद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। इत्मादुद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट, नूरजहां के पूर्व पति का नाम अली कुली बेग। नूरजहां के पूर्व पति का नाम अली कुली बेग था, जिसे जहांगीर ने एक शेर को मारने के कारण शेरे अफगान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, अली कुली बेग से मेहरुन्निसा की एक पुत्री थी जिसका नाम लाडली बेगम था। लाडली बेगम था। नेक्स्ट, नूरजहां के भाई का नाम आसफ खां था। नेक्स्ट, नूरजहां की माता असमत बेगम थी, जिन्होंने पहली बार भारतीय इतिहास में गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था नेक्स्ट, जहांगीर के शासनकाल में प्रशासनिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नूरजहां की थी।
नेक्स्ट, नूरजहां ने दरबार में एक गुट बनाया था जिसमें निम्न व्यक्तित्व शामिल थे। नंबर एक, मिर्जा गयास बेग। नंबर दो, असमत बेगम। नंबर तीन, आसफ खां। नंबर चार, जहांगीर की राजपूत पत्नी जगत गोसाई। जगत गोसाई के पुत्र खुर्रम। नेक्स्ट, नूरजहां जहांगीर के पुत्र खुर्रम का विवाह अपनी पुत्री लाडली बेगम के साथ करवाना चाहती थी तथा उसे जहांगीर का उत्तराधिकारी घोषित करना चाहती थी। परंतु खुर्रम आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से मोहब्बत करता था जिसके कारण नूरजहां ने खुर्रम को अपने गुट से बाहर निकाल दिया तथा उसके स्थान पर जहांगीर की एक अन्य राजपूत पत्नी मानबाई के पुत्र को अपने गुट में शामिल किया तथा उसका विवाह अपनी पुत्री लाडली बेगम के साथ करवा दिया तथा उसे
जहांगीर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। नेक्स्ट, इस बात से आक्रोशित होकर खुर्रम ने जहांगीर और नूरजहां के खिलाफ खिलाफ विद्रोह कर दिया तथा 1627 में खुर्रम ने भीमवार नामक स्थान में नूरजहां एवं जहांगीर को बंदी बना लिया। नेक्स्ट, नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर की राजपूत पत्नी मानबाई के पुत्र शहरयार शहरयार के साथ किया था। नेक्स्ट, सोलह सौ सत्ताईस में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर का मकबरा लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान में है, जिसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर ने 12 अध्यादेशों के तहत सप्ताह में 2 दिन पशुवध पर पूरे साम्राज्य में रोक लगा दी थी नंबर 1, गुरुवार को जहांगीर का राज्याभिषेक का दिन था, इस कारण पशुवध पर रोक लगाई गई। नंबर 2, रविवार, इस दिन अकबर का जन्मदिवस था, इसलिए पशुवध पर रोक लगाई गई थी। छतगन, यह है जहांगीर और उससे जुड़े हुए
तमाम महत्वपूर्ण पहलू जिसे छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा, याद रखना होगा। छात्रगण, अकबर को कोई भी संतान नहीं थी और इसी रात में, इसी चिंता में वह दिन रात घुलते रहता था, दिन रात परेशान रहता था, दिन रात उधेड़बुन में रहता था कि आखिर उसके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा, कौन होगा उसका उत्तराधिकारी। उसके दिन का चैन और रात की नींदें चली गई थी छात्रगण। अकबर हमेशा इसी चिंता में परेशान रहता था छात्रगण। ऐसे में उसे उसके सलाहकारों ने राय दिया कि क्यों ना आप फतेहपुर सिकरी, जहां चमत्कारिक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती साहब की कुटिया है, वहां आप जाएं और वहां जाने से आपकी मन की मुराद जरूर पूरी होगी। छात्रगण, जिसके कदम मखमल के कालीन से नीचे नहीं उतरते थे, वो पैदल नंगे पांव आगरा से 35 किलोमीटर दूर लहू लुहान हो गए पैर, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, नंगे पांव शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में गया। छात्रगण, अनुनय किया, प्रार्थना की, अनुरोध किया, इल्तजा की, गुजारिश की, सलीम चिश्ती साहब, संतान की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है, मुगल साम्राज्य की अस्मिता का प्रश्न है, कौन बनेगा उत्तराधिकारी। छात्रगण, शेख सलीम चिश्ती ने आशीर्वाद दिया और अकबर को जोधाबाई से एक स्वस्थ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तथा शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से चुकी इस पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए अकबर ने उसका नाम ही सलीम रख दिया और प्यार से शेखो बाबा कहकर पुकारता था शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। छात्रगण, पूछेगा मुगल सम्राट जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, है ना, तो वास्तविक नाम तो छात्रगण जो है सलीम था। अकबर उसे प्यार से क्या कहकर पुकारता था, शेखो बाबा। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से किस मुगल सम्राट का जन्म हुआ था, जहांगीर का जन्म हुआ था और इसका वास्तविक नाम सलीम था, इसे भी आपको याद रखना होगा। छात्रगण, जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 तक था। छात्रगण, राज सिंहासन पर बैठते ही इसने प्रजा के लिए 12 अध्यादेश या कानून जारी किए थे, 12 ऑर्डिनेंस जिसको कहा जाता है, 12 अध्यादेश जिसका प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना पड़ता था। छात्रगण, जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था तथा इसने आगरा में यमुना नदी के तट पर अपने राजमहल के बाहर सोने के जंजीर से युक्त न्याय की घंटी लगवाई थी, जिसे कोई भी फरियादी बजा करके सीधे बादशाह सलामत से न्याय प्राप्त कर सकता था, और यह इसकी न्यायप्रियता का द्योतक था। पूछेगा कौन सा मुगल सम्राट अत्यधिक न्यायप्रिय था, जहांगीर। किस मुगल सम्राट ने आगरा में यमुना नदी के तट पर अपने राजमहल के बाहर सोने के जंजीर से युक्त न्याय की घंटी लगवाई थी, जहांगीर ने लगवाई थी। छात्रगण ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे भी आपको छात्रगण ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी अध्ययन करना होगा, और एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए। छात्रगण, जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। छात्रगण, इससे क्रोधित होकर के जहांगीर ने खुसरो को अंधा करवा दिया और उसकी हत्या करवा दी। पिता ने पुत्र की हत्या करवा दी छात्रगण, क्यों, क्योंकि पुत्र पिता का कॉम्पिटेटर बन गया था, है ना छात्रगण। और तो और, खुसरो को मदद करने वाले सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को भी फांसी की सजा जहांगीर ने दिलवा दी, उनकी भी हत्या करवा दी। पूछेगा जहांगीर के किस पुत्र ने विद्रोह कर दिया था, खुसरो ने। जहांगीर ने अपने किस पुत्र को अंधा करवा दिया था, खुसरो को। जहांगीर ने खुसरो को अंधा इसलिए करवा दिया छात्रगण, क्योंकि मुगल सम्राट साम्राज्य में यह नियम था कि अंधा व्यक्ति बादशाह नहीं बन सकता है, इसलिए उसने अंधा करवा दिया और बाद में उसकी हत्या भी करवा दी थी, जेल में भी डाल दिया था खुसरो को। छात्रगण ध्यान देंगे, खुसरो की मदद किस सिख गुरु ने की थी, गुरु अर्जुन देव ने। यह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, पांचवें गुरु थे। जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी, अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, क्यों, क्योंकि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद की थी। इसी से आक्रोशित होकर जहांगीर ने यह कदम उठाया था छात्रगण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इस पर भी आपकी पैनी निगाहें होनी चाहिए, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी आपको मनन करना होगा, एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा, बेहतरीन क्वेश्चन है यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का। छात्रगण, जहांगीर ने 1611 में मेहरुनिशा के साथ विवाह किया। छात्रगण, मेहरुनिशा जो कि ईरान की
एक शादीशुदा महिला थी और इसके पिता का नाम जो है मिर्जा ग्यास बेग था। इसके पूर्व पति का नाम अली कुली बेग था, जिसे जहांगीर ने शेर के जो है शिकार करने के कारण शेरे अफगान की उपाधि दी थी। छतगन मिर्जा ग्यास बेग जो कि नूर जहां के पिता थे, इन्हें एतमादुद्दौला की उपाधि जहांगीर ने दी थी, जो कि एक बहुत बड़ी उपाधि होती है मुगल साम्राज्य में। छतगन मिर्जा ग्यास बेग, अली कुली बेग और मेहरुनिशा की एक पूर्व पुत्री भी थी छतगन, जिसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था छतगन उसका? लाडली बेगम था, ध्यान रखिएगा उसका नाम लाडली बेगम था। छतगन नूर जहां या मेहरुनिशा के भाई का नाम आसफ खान था और मेहरुनिशा की माता का नाम असमत बेगम था, जिन्होंने सबसे पहली बार गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। पूछेगा मुगल काल में गुलाब से इत्र का आविष्कार सबसे पहली बार किसने किया था? तो असमत बेगम ने किया था। छतगन इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा। यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है। छतगन जहांगीर के शासन काल में सत्ता का वास्तविक केंद्र बिंदु नूर जहां थी। जहांगीर शराब शबाब और कबाब में खोया जाता था। छतगन कई बुरी आदतें उसे लग गई थी, नशापान मदिरापान की आदत उसे लग गई थी और सत्ता का संचालन कर रही थी जहांगीर के कार्यकाल में कौन? नूर जहां, एक बहुत ही बोल्ड महिला, एक सशक्त महिला, एक ताकतवर महिला, एक प्रशासनिक क्षमता से युक्त महिला। छतगन नूर जहां ने दरबार में अपना गुट भी बना लिया, जिसमें अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग, भाई आसफ खां, असमत बेगम माता जिन्होंने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था भारत इतिहास में पहली बार, और खुर्रम जहांगीर के एक अन्य पत्नी जगत गोसाई का, राजपूत पत्नी जगत गोसाई का पुत्र खुर्रम को उसने अपने गुट में शामिल कर लिया। छतगन नूर जहां चाहती थी कि खुर्रम का विवाह अपने पूर्व पति अली कुली बेग की जो बेटी है लाडली बेगम उसके साथ कर दिया जाए और खुर्रम को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए, ताकि जहांगीर के बाद भी नूर जहां मुगल साम्राज्य में मुख्य सत्ता का केंद्र बिंदु बनकर रह सके। छतगन परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। खुर्रम आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम को अपना दिल दे बैठा और उसने विवाह के प्रस्ताव को, नूरजहां के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। छतगन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1611 में मेहरुनिशा के साथ जब विवाह जहांगीर ने किया तो उसे दो उपाधियां दी थी छतगन, एक नूरजहां की और एक नूर महल की। पूछेगा नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिशा, है ना? मेहरुनिशा को नूरजहां और नूर महल की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी छतगन विवाह के उपरांत। इसे भी ध्यान रखिएगा, नूर जहां यानी जहां में तुम्हारे जैसा कोई नूर सुंदर नहीं है, यही नूर जहां होता है। छतगन दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी होगी, क्या किया नूर जहां ने अपने कूटनीति का परिचय देते हुए? जब खुर्रम को देखा कि वह विद्रोही तेवर अपना रहा है, जब वह अर्जुमन बानो बेगम से मोहब्बत कर रहा है, तो उसने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर की एक अन्य पत्नी मानबाई की पुत्री लाडली बेगम के मानबाई के पुत्र शहरयार के साथ कर दिया और उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। छतगन शहरयार के उत्तराधिकारी, शहरयार के उत्तराधिकारी घोषित होने के साथ ही शाहजहां के तेवर और भी मजबूत हो गए। छतगन उसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और जहांगीर और नूरजहां को बंदी बना लिया। छतगन ऐसी विकट परिस्थिति में जहांगीर ने सुलह की और खुर्रम को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और जहांगीर के पश्चात खुर्रम ही शाहजहां के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, आगरा की गद्दी पर बैठा था, मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था। छतगन जहांगीर ने सप्ताह में दो दिन पशु वध पर रोक लगा दी थी। छतगन ये दो दिन कौन कौन से थे? छतगन रविवार अकबर का जन्मदिवस था, गुरुवार जहांगीर का राज्याभिषेक का दिन था। छतगन इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा और एक एक चीजों को छतगन गौर करना होगा, एक एक चीजों पर पैनी निगाह रखनी होगी, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों का सम्मान करना होगा। छतगन 1605 से 1627 तक इसका कार्यकाल था।
मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में जीतकर मिलाने वाला शासक कौन था? जहांगीर था। अकबर भी नहीं मिला पाया छात्रगण महाराणा प्रताप के स्वाभिमान के कारण, लेकिन महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह के कार्यकाल में जहांगीर ने मेवाड़ को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। पूछेगा वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने मेवाड़ को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? जहांगीर। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। कंधार मुगलों के हाथों से हमेशा के लिए निकल गया, यह किसके कार्यकाल में हुआ था? जहांगीर के कार्यकाल में हुआ था। इसे भी छात्रगण आपको ध्यान में रखना होगा, यह क्वेश्चन भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में छात्रगण आता है, इस पर भी आपको पैनी निगाहें रखनी होगी, ध्यान देना होगा। तो छात्रगण जहांगीर के कार्यकाल को हर तरीके से आपको याद रखना होगा, है ना। वास्तविक नाम सलीम है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से मुगल गद्दी पर यह बैठ रहा है। इसका पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। 1611 में मेहरुन्निसा के साथ विवाह कर रहा है। मेहरुन्निसा को नूर जहां एवं नूर महल की उपाधि दे रहा है ना। नूर जहां के गुट को भी याद रखिएगा छतगन, मिर्जा ग्यास बेग, नूर जहां के पिता इतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। अली कुली बेग नूर जहां के पूर्व पति, शेर अफगान की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा शेर के शिकार के कारण। आसफ खां नूर जहां के भाई, खुर्रम जहांगीर का पुत्र, जगत गोसाई का पुत्र, राजपूत रानी का पुत्र था, ध्यान रखेंगे छतगन। छतगन न्यायप्रिय शासक था, सोने के जंजीर से युक्त न्याय की घंटी लगाई, 12 अध्यादेश जारी किए थे, ये भी याद रखना है। रविवार को अकबर का जन्मदिवस और गुरुवार को जहांगीर का राज्याभिषेक का दिन था, जिस दिन पशुवध पर रोक लगा दी गई थी पूरे साम्राज्य में। तो छतगन जहांगीर से जुड़े हुए हर पहलू को आपको ध्यान देना होगा, हर पहलू को मनन करना होगा, हर पहलू को आपको छतगन याद रखना होगा। क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, नूर जहां का वास्तविक नाम भी पूछा जाता है, नूर जहां के गुट में कौन कौन शामिल थे ये भी पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना होगा छतगन, है ना। अब हेडिंग बनेगा छतगन शाहजहां। शाहजहां लिखे, शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। नेक्स्ट, शाहजहां का कार्यकाल 1628 से 1657 तक था, 1628 से 1657 तक था, तक था। नेक्स्ट, खुर्रम को दक्षिण या दक्कन विजय के कारण, दक्कन विजय के कारण करण जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि, शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी, उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट, शाहजहां ने 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ विवाह किया तथा इसे निम्न उपाधि दी थी, उपाधि
दी थी। नंबर एक, मुमताज, मुमताज। नंबर दो, मलिका ए जमानी, मलिका ए जमानी, जमानी। नेक्स्ट, शाहजहां, शाहजहां ने अपने कार्यकाल में पुर्तगालियों को, पुर्तगालियों को 1632 में बंगाल के हुगली नामक बंदरगाह से मार भगाया था क्योंकि पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी को लूटमार का केंद्र बना लिया था। नेक्स्ट, शाहजहां के कार्यकाल को मुगलकालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट, शाहजहां के कार्यकाल में इसने अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिससे क्रोधित होकर शाहजहां के एक अन्य पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया तथा शाहजहां को आगरा के लाल किले के अंदर कैदखाने में नजरबंद कर दिया गया। नेक्स्ट, शाहजहां 1658 से 1666 तक 1658 से 1666 तक अर्थात 8 वर्षों तक मुगल कैदखाने में नजरबंद रहा। नेक्स्ट, मुगल कैद में शाहजहां की देखभाल इसकी पुत्री जहां आरा ने किया था। नेक्स्ट, 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, शाहजहां का मकबरा आगरा में
ताजमहल के अंदर मुमताज के मकबरे के बगल में, मुमताज के मकबरे के बगल में स्थित है। नेक्स्ट, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख युद्ध सामूगढ़ का युद्ध था, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा तथा शाहजहां का उत्तराधिकारी बना। छात्रों, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। किस मुगल बादशाह का वास्तविक नाम खुर्रम था? शाहजहां का। किस मुगल बादशाह को शाहजहां की उपाधि दी गई थी? खुर्रम को। किसने दिया था? जहांगीर ने। क्यों दिया था? छात्रगण, दक्कन विजय करके इसने मुगल साम्राज्य में मिला दिया था, जिसे प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छात्रगण, किस मुगल काल के शासक को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस मुगल कालीन शासक के कार्यकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? शाहजहां के कार्यकाल को कहा जाता है छात्रगण, क्योंकि उसने एक से बढ़कर एक इमारतों का निर्माण करवाया था। ताजमहल दिल्ली का, लाल किला दिल्ली की, जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊस, शाहजहानाबाद नगर, आगरा के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद, इन सबों का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। इसलिए शाहजहां के कार्यकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है छात्रगण। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा। तो छात्रगण, एक एक बातों को ध्यान रखें, एक एक बातों को मनन करना होगा। पूछेगा, हुगली को पुर्तगालियों के कब्जे से हटाने वाला शासक कौन था? शाहजहां। हुगली से पुर्तगालियों को खदेड़ने वाला शासक कौन था? शाहजहां। क्यों? छात्रगण, हुगली को, बंगाल की खाड़ी को पुर्तगालियों ने लूटमार का केंद्र बना लिया था, और इसी से आक्रोशित होकर शाहजहां ने यह कदम उठाया था। छात्रगण, शाहजहां से एक गलती हो गई। औरंगजेब इसके कार्यकाल में काफी सशक्त था, दक्षिण भारत का वायसराय था, लेकिन शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया? अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह को। छात्रगण, यही गलत निर्णय शाहजहां के लिए काल बन गया, और औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया, शाहजहां को मुगल कैद में डाल दिया। 8 वर्षों तक छात्रगण यह मुगल कैद में रहा, 1658 से 1666 तक, आगरा के लाल किले में से नजरबंद कर दिया गया। छात्रगण, 1666 में इस महान शासक की मृत्यु हो गई, और इसका मकबरा आगरा में ताजमहल के अंदर मुमताज के बगल में स्थित है ना। इसकी आखिरी इच्छा थी कि मुझे मुमताज के बगल में दफनाया जाए, अपनी प्रिय पत्नी, अपनी प्रिय बेगम के बगल में मुझे दफनाया जाए, यही इसकी आखिरी इच्छा थी छात्रगण, जिसे औरंगजेब ने पूरा किया था। तो छात्रगण, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? 1666 में। शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह को। छात्रगण, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में, जो कि सबसे प्रमुख युद्ध माना जाता है उत्तराधिकार के लिए, सामूगढ़ का युद्ध। और इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित कर दिया और मुगल सत्ता की प्राप्ति कर ली। छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहजहां की जेल में, कैदखाने में देखभाल उसकी पुत्री जहां आरा द्वारा किया जाता था छात्रगण, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। पूछेगा, शाहजहां की कौन सी पुत्री जेल में उसकी देखभाल करती थी? जहां आरा जेल में उसकी देखभाल करती थी, यह भी आपको छात्रगण ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा, और एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। एक एक चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा। शाहजहां की 3 पुत्रियां थी छात्रगण, जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। एक तो मैंने आपको बताया छात्रगण जहां आरा है ना, एक है रोशन आरा, आरा
और एक है गोहन आरा। ये तीन पुत्रियां हैं शाहजहां की, और इसमें से जेल में जो देखभाल की थी वह है जहां आरा। 8 वर्षों तक कैद में रखा गया था औरंगजेब के द्वारा 1658 से 1666 तक, और जेल में उसकी देखभाल जिस पुत्री ने की थी उसका क्या नाम था छात्रगण? जहां आरा। इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो छात्रगण, मुगल बादशाह शाहजहां का दुखद अंत हुआ, और इसके पश्चात हम लोग जानेंगे उस शासक के बारे में जो चरित्रवान तो था लेकिन कट्टर भी था, और मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी भी था, जिसका नाम था औरंगजेब। तो अगली कक्षाओं में छात्रगण हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब का विस्तृत इतिहास। तब तक के लिए आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, तहे दिल से आशीर्वाद।